दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज का दिन शनिवार पहला चरण था और आज शुरुआत हुई बंगाल और असम से। असम और बंगाल की कुल 77 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। इनमें 30 सीटें बंगाल की थी और 47 सीटें असम की थी। असम में जहां चुनाव हुआ उसको अपर असम कहा जाता है। बंगाल में जहां चुनाव हुआ वो पुरुलिया जैसा इलाका है जो झारखंड से सटा हुआ है, बांकुड़ा जैसा इलाका है और झारग्राम है, पश्चिम मिदनापुर है। तो इन इलाकों में आज चुनाव मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। कैसे हुई आप सब आपने खबरें देख ली होंगी, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। बहुत सारी धांधली की शिकायतें की गई। इलेक्शन कमीशन तक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, जो उनके ज्ञापन हैं, उनकी जो पिटीशंस हैं, वो मतदान की प्रक्रिया शाम को जब कंप्लीट हुई उसके पहले ही वो जा चुके थे। यानी शिकायतों का पुलिंदा पहले ही लग गया था। और दोस्तों, इलेक्शन कमीशन पर भी शिकायतें हैं राजनीतिक दलों की, और बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो मानकर चल रहे हैं कि इन दिनों चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से और स्वतंत्र ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरह तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। ये मतदान की जो प्रक्रिया आज संपन्न हुई उसके पहले की बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो पिटीशन थी, और आपको बताऊं इलेक्टोरल बॉन्ड पर 2017 से मामला चल रहा है और 2017 से लेकर 2020-21 अब चल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी फैसला नहीं हो पाया था और इस बार भी कह दिया गया कोई स्टे नहीं लगेगा, कोई इसे रोका नहीं जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक मुकम्मल फैसला कब होगा, क्या होगा, कैसा होगा, कोई नहीं जानता। और जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में दुनिया भर की जो डेमोक्रेसी को समझने वाले लोग हैं, जो चुनावों की प्रक्रिया को पारदर्शी, स्वतंत्र ढंग से, बेहतर ढंग से कराने के हिमायती, वो मानते हैं कि ये बिल्कुल गलत एक शुरुआत है। जो कॉरपोरेट की जो फंडिंग है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कई लोग तो इसकी तुलना पीएम केयर फंड से करते हैं कि वहां भी न तो कोई ट्रांसपेरेंसी है, न तो कोई साफ साफ बात है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वही स्थिति ला दी गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जबकि आज चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं अपने देश में, 2 राज्यों के चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन बॉन्ड को एक तरह से ग्रीन झंडी अभी तक है, हरी झंडी है, कोई उस पर रोक नहीं है। आप जानते हैं कि ADR की रिपोर्ट ने बाकायदा बताया था कि कैसे एक ही पार्टी, जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है देश की, उसी को सारी फंडिंग जा रही है। सारी का मतलब बहुतायत, उसका परसेंटेज भी अलग अलग चुनाव का आंकड़ा आपके सामने ADR ने पेश किया था और ADR की रिपोर्ट पूरे देश के अखबारों में छपी थी, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया था। तो दोस्तों, ये जो पहलू सामने उभर कर आ रहे हैं, इस पर मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो पिछले दिनों बहुत सारी जगहों पर ये बात सामने आई कि क्या भारत वाकई एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी अगर मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो एक ऐसी निरंकुशता, एक ऐसी निरंकुश व्यवस्था जहां चुनाव भी होंगे लेकिन जहां जनतंत्र नहीं होगा। तो क्या वाकई भारत के जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा में बैठकर जिन्होंने संविधान बनाया, खूबसूरत संविधान, और जो उनका मकसद था कि इस देश में सुसंगत लोकतंत्र बनेगा एक दिन, तो क्या वो वाकई सपना, वो उनकी इच्छा, वो उनके संकल्प वाकई धूल धूसरित हो रहे हैं?
और भारत बहुत तेजी से एक चुनावी निरंकुशता की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसा निरंकुश राज्य जिसमें चुनाव तो होंगे, चुनाव से यानी निर्वाचित सरकारें तो होंगी, लेकिन निर्वाचन कैसे हो रहा है, चुनाव कैसे हो रहा है, वो लोकतांत्रिक ढंग से है कि नहीं है, स्वतंत्र है कि नहीं है, पारदर्शी है कि नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कल्पना कीजिए कि एक चुनाव हो जिसमें ठीक है कि जबरन बूथ कब्जा न हो, मशीनें लगी हो, लेकिन चुनाव लड़ने वालों के बीच इस कदर गैर बराबरी, इस कदर असमानता पैदा कर दी जाए कि बराबरी का चुनाव ही ना हो, लेवल अलग अलग ढंग के जो लोग चुनाव लड़े उसमें जमीन आसमान का फर्क हो, तो फिर ऐसे चुनाव की क्या स्थिति होगी। तो एक बड़ा पहलू आज मेरे दिमाग में उभर कर आया जब मैं चुनाव क्षेत्रों के बारे में, जो आज मतदान हो रहा था और मैं उनको टेलीविजन चैनलों पर जब देख रहा था तो पता चला कि लग रहा था कि जैसे कोई युद्ध स्थल मचा हुआ बना हुआ हो, यानी चारों तरफ खाकी वर्दी, सफेद वर्दी, कई जगह जो अर्धसैनिक बल हैं वो संगीन और पूरी बंदूकें लिए हुए खड़े तैनात चारों तरफ हैं। अच्छी बात है, कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भारत जैसे मुल्क में ये जरूरत है, लेकिन क्या भारत जैसे मुल्क को हम इतने वर्ष बाद, यानी कितने साल हो गए आजादी पाए हुए, तकरीबन 73-74 साल हो गए, 73-74 साल के बाद भी अपने मुल्क में हम इलेक्टोरल प्रोसेस को स्वतंत्र और पारदर्शी निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने की जो एक जरूरी प्रक्रिया लोकतंत्र के अधीन है, क्या उसको हम एक युद्ध के तरह, एक ऐसा लगता है कि वो कोई पर्व न हो, कोई खुशी का माहौल न हो, कोई लोकतांत्रिक एक चेतना उसमें न दिखाई दे, बल्कि ऐसा लगे कि जैसे कोई लड़ाई लड़ने जा रहा है, कब किसकी जान चली जाएगी, कब कहां क्या हो जाएगा। तो ये बूथ पर जिस तरह बंगाल में मैंने अर्धसैनिक बलों की तैनाती देखी, और ये भी आरोप था कि अर्धसैनिक बल के जो लोग तैनात किए गए हैं उनको योजनाबद्ध ढंग से किया गया है ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने वाली जो पार्टी है उसको केवल फायदा मिले और जो अन्य लोग हैं वो डर जाएं या डरा दिए जाएं, ये तक आरोप लगाया है खासकर टीएमसी ने। और उन्होंने तो बकायदे इलेक्शन कमीशन को पेटीशन भी दिया था कि इतने भारी पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो है वो नागरिक जीवन को और मतदाताओं के मन को जरूर कहीं ना कहीं आतंकित और परेशान करेगी, ये उनके शब्द हैं मेरे नहीं। तो दोस्तों ये एक पहलू मेरे दिमाग में आया कि क्या हमारा लोकतंत्र वाकई उस तरह का नहीं रहा जैसा हमने पहले भी देखा कि ठीक ठाक कुछ चुनाव हुए कुछ एक वर्षों में, पहले बूथ कब्जा होता था, बाद में थोड़ी बहुत बेहतरी आई, ट्रांसपेरेंसी आई, टीएमसीशन के दौर को काफी याद किया जाता है। तो क्या हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो हमें फेल कर रही हैं? सिर्फ राजनेता और दल ही नहीं बल्कि संस्थाएं भी फेल कर रही हैं, एक बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में उठता है। दूसरी बात कि आज जो बीजेपी है उसने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग उसकी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी को फोन करके और चुनाव में समर्थन मांग रहे हैं। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, उनका भी नाम आया कि उन्होंने बकायदे फोन पर बात की और वो ऑडियो क्लिप दिखा दिया, ऑडियो क्लिप इलेक्शन कमीशन को भी दिया। अब इसके बाद टीएमसी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश की ऑफिशियल यात्रा पर हैं, वो 50 साल उनकी आजादी के पूरे हुए उस मौके पर गए हैं, लेकिन वहां भी कैंपेन कर रहे हैं और उन्होंने मातुआ जो समुदाय है, जो अलग एक वैचारिक या एक यूं कहा जाए धार्मिक एक सेक्ट है, उन्होंने कहा कि वहां पर प्रधानमंत्री जी वहां गए, ढाका से काफी दूर गए, वहां पर ठाकुरबाड़ी गए जहां उस पंथ के, उस सेक्ट के जो संस्थापक थे उनकी स्मृति में ठाकुरबाड़ी बनी हुई है, वहां केवल उन्होंने अभिनंदन स्मृति, उनकी स्मृति में मत्थे ही केवल नहीं टोके बल्कि एक सभा भी कर दी और वहां पर वहां के स्थानीय लोग थे जो मातुआ समुदाय के हैं। तो ये सब चीजें आज टेलीविजन पर भी दिखाई गई और ये आरोप भी लगा दिया गया। प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश जब इस बार गए तो आपको याद होगा कि इसके पहले भी वो जा चुके हैं, बांग्लादेश ऐसा नहीं कि वो पहली बार गए, लेकिन पहले वो कभी मातुआ
जो जो समुदाय का जो केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र या धार्मिक केंद्र जो भी कहें, वहां कभी वो नहीं गए। बल्कि उन्होंने अपने भाषण में भी आज कहा कि 2015 में जब वो आए थे प्रधानमंत्री के तौर पे, तब भी उनकी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन इस बार उनकी इच्छा पूरी हुई। तो क्या जो टीएमसी के लोग या विपक्षी लोग हैं, उनके आलोचक जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा पूरी हुई क्योंकि इस बार बंगाल में चुनाव था? तो अब ये भी एक पहलू है। तो चुनाव के दरमियान इलेक्शन कमीशन में बार बार ये पिटीशन पहले भी दिया गया है, लोगों ने भी कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि इतने चरणों के चुनाव होते हैं और एक नेता एक क्षेत्र में चुनावी रैलियां कर रहा होता है जब दूसरे क्षेत्र में मतदान हो रहा होता है या मतदान होने वाला होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया। और हम सब जानते हैं दोस्तों, ये टेलीविजन का दौर है कि टेलीविजन चैनलों पर हर चीज लाइव दिखाई जाती है और कहा जा सकता है कि इससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने की जो एक कोशिश है, वो एक पार्टी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी पार्टियों में ये बात है और सभी पार्टियों पर इस तरह की, खासकर प्रभावशाली पार्टियों पर यह आरोप लगता रहा है। तो ये एक पहलू है। और मैं अंतिम बात जो आपके सामने करना चाहता था दोस्तों, कि इस चुनाव के पहले भी हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक और धार्मिक और इसके अलावा भी तरह तरह के ऐसे जुमले चुनाव में उछाले जा रहे हैं और केवल कुछ ही समुदाय विशेष पर जोर दिया जा रहा है। अब जैसे असम में सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता ने यह कहा कि वो लव जिहाद और लैंड जिहाद, लैंड जिहाद, भूमि जिहाद और लव जिहाद, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब सवाल यह है कब करेंगे? वो कह रहे हैं कि जब अगली सरकार हमारी बन जाएगी। तो फिर 5 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? सीए के बारे में वहां खामोश हैं, बंगाल में सीए पर बोल रहे हैं। तो लव जिहाद और लैंड जिहाद, तो क्या यह पूछा जा सकता है कि इस देश में अगर जमीन पर कब्जा जो किया जाता है गैर कानूनी, वो क्या एक ही संप्रदाय के लोग करते हैं, एक ही धार्मिक समुदाय के करते हैं और कोई नहीं करता है? कैसी बात की जा रही है इस चुनाव में, इन चुनाव में कैसी बातें की जा रही हैं, मुझे नहीं समझ में आता। क्यों नहीं भारत सरकार या कोई भी सरकार, राज्य सरकार, इस तरह के आरोप लगाने से पहले देश के या विदेश के किसी भी निष्पक्ष या गणमान्य व्यक्ति से कमीशन बना ले, 2-4 लोगों का बना ले और एक सर्वे करा ले कि इस देश में भूमि का कब्जा किन लोगों ने सबसे ज्यादा किया है गैर कानूनी ढंग से। आप पाएंगे कि वे बड़े सामंत होंगे, बड़े जमींदार होंगे, बड़े सरमायेदार होंगे जिन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा है गैर कानूनी ढंग से, लेकिन इस देश में उनका कोई सर्वे नहीं होता। आरोप लगते हैं गरीबों पर जिनके पास झुग्गी तक नहीं है, जो कहीं जाकर बस जाते हैं और आप उनको धर्म में बांट देते हैं, जाति में बांट देते हैं और चुनाव में उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात मुझे आपसे करनी थी, लेकिन आप चुनाव में खुश हो जाइए कि लोकतंत्र आजाद है, लोकतंत्र आबाद है, लेकिन क्या ये चुनाव यूरोप के या दूसरे और मुल्कों के जो वाकई लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, क्या उनकी एक झलक देते हैं? कहीं वाकई हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी बात अलग अलग समय पर जो जारी होने वाली रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं, हम एक निरंकुश लोकतंत्र तो नहीं बन रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों वाला एक एक निरंकुश राज्य? इन्हीं इसी सवाल के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.